George, just with regard to technique and not getting back to campus until Africa, I was trying to be very harsh that from a foot movement point of view, you don't have to take a big stride. You're a big proponent of someone having a smaller stride and good hands. Rohit Sharma, I reckon, is going to be key for India. Can he be aggressive and with counterpunch like David Villiers did for the South African team? Do you think that's how Rohit Sharma is? I mean, it was even though he's supposed to be dead when he had the end of the time, but he's so damn, he can't get himself in. He's the only guy getting an foot movement, and you don't have to. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अगर आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं और चिप्स के शौकीन हैं तो यह खबर आपको सावधान करने वाली है। हैरान करने वाली यह खबर हैदराबाद से आई है, जहां 5 रुपए का चिप्स का पैकेट एक बच्चे की मौत की वजह बन गया और 4 साल का मासूम अपने परिवार को रोता बिलखता छोड़कर दुनिया से चला गया। अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा 4 साल का यह मासूम जिंदा होता अगर उसने चिप्स के लिए जिद न की होती। हैदराबाद के वेस्ट गोदावरी जिले में यह बच्चा अपनी मां से 5 रुपए का चिप्स का पैकेट खरीदाया और उसे खाने लगा। 5 रुपए के चिप्स के पैकेट में आए छोटे खिलौने को इस मासूम ने चिप्स समझकर खा लिया। यही खिलौना बच्चे के लिए जानलेवा साबित हुई। छोटा खिलौना बच्चे के गले में अटक गया और बच्चा लड़खड़ाकर घर में गिर पड़ा। अस्पताल ले जाने के दौरान मासूम की मौत हो गई। कई कंपनियां चिप्स या पैकेट में खाने पीने के सामान को बेचने के लिए तरकीब बनाती हैं। इन पैकेट में छोटे छोटे खिलौने डालकर बच्चों को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश की जाती है। आप भी ध्यान रखें, जब भी बच्चा चिप्स या ऐसा कोई पैकेट में खाने का सामान खरीदे तो इन बातों का ध्यान जरूर रखिए। सबसे पहले चिप्स पैकेट खोलकर उसके अंदर से छोटे खिलौने निकाल लें। कहीं बच्चा गलती से इसे चिप्स समझकर खाना दे। बच्चा कुछ खाने की जिद करे तो अपनी देखरेख में उसे खिलाएं। हैदराबाद की मासूम की जान 5 रुपए से भी सस्ती साबित हुई। काश 5 रुपए के चिप्स पैकेट में खिलौना न होता तो अपने मम्मी पापा की आंखों का ये तारा आज जिंदा होता।